करता हूँ जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। Yes, Lord, मैं जीवित परमेश्वर मैं तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ अपने आप को। Yes, Lord, दया कर परमेश्वर, दया कर, तू जीवित पिता है परमेश्वर। Yes, Lord, तू हमारे मध्य में है। Yes, तेरी उपस्थिति का आशीष हम भोगे। Yes, Lord, तेरी बुद्धि तेरा ज्ञान परमेश्वर हमें दे परमेश्वर, ताकि तेरी बुद्धि के अनुसार अपने जीवन को जांचे परमेश्वर, हर वो काम करें जो परमेश्वर तेरी स्वीकृति कहती है, जो तू कहता है, जो तेरी इच्छा है परमेश्वर। हम कोई ऐसा काम ना करें जो तेरी दृष्टि में बुरा है परमेश्वर। दयालु पिता, दया कर, दया कर। सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ, देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ, बुद्धि मांगता हूँ, ज्ञान मांगता हूँ। धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की, हम सब कहेंगे जोर से तालियां बजाइए। पिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा के लिए तुम अधिक से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ। हम सब खुश हैं, आनंदित हैं, प्रभु आपसे प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर का आज का दिन हम परमेश्वर के आशीर्वाद से देख पाए और इस सुबह हम उसका नाम ले पाए। उसके नाम में अद्भुत शिफा है, उसका नाम हर प्रकार से सामर्थ्य देता है, हमारी रक्षा करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें किस तरीके से जीवन को जीना है। परमेश्वर ने हमें अंधकार से निकालकर अपनी ज्योति में लाया ताकि हम उस ज्योति में चल सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मूसा व्यवस्था लेके आया, लेकिन यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई लेकर आया, उस ज्योति को, उस मार्ग को लेकर आया यीशु मसीह, जिस मार्ग पर चलकर हमें जीवन को जीना है। हमें वो रास्ता दिखाया परमेश्वर ने ताकि हम उस आशीष को पाएं, हम उस आशा को पाएं जो परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें वो जीवन जीना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए वचन ही है जो हमें बांधता है, वचन ही है जो हमें जो बांधता है, वचन ही है जो हमें सिखाता है, वचन ही है जो हमारे अंदर जीवन बोता है, वचन ही है जो हमें बुद्धि देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उस वचन को हमें हमेशा अपने अंदर रखना है, हमेशा। देखिए, बाइबल की शिक्षा अद्भुत है, उस शिक्षा को हमें अपने जीवन में उतारना है। और सबसे पहले शुरुआत किससे करनी है? अपने बच्चों से। आज का जो विषय है, मुझे परमेश्वर ने बोझ दिया कि मैं बच्चों को हमें किस तरीके से अपने अपने घरों में रखना है, हमारे बच्चे किस तरीके से अपने जीवन को जिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि शैतान है, वो बच्चों को दूर लेके जाता है। अगर आपके बच्चों के अंदर वचन नहीं है, अगर आपके बच्चों के अंदर भय नहीं है, तो आसानी से शैतान उसको दूर लेके जाता है। और फिर
शैतान की ये चाल होती है कि उन बच्चों के बदौलत, उन बच्चों की वजह से माँ बाप भी पीछे आ जाते हैं, क्योंकि बच्चा है इमोशनली, भावनात्मक रूप से जो शैतान है वो आपको बहकाता है कि आप बच्चों के पीछे चलते हैं। चाहे आपका बच्चा खराब निकलता है, चाहे आपका बच्चा कैसे भी है, लेकिन आप बच्चे की तरफ अपने प्यार को देखते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर से ज्यादा बच्चों की तरफ आपका प्यार होता है। देखिए, बच्चे परमेश्वर ने क्यों दिए हैं? बाइबल का हर वचन सिद्ध है और बाइबल हर चीज को स्थिरता से बताती है, सिद्धता के साथ बताती है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमने आज से अपने यूथ मीटिंग के लिए क्लासेस शुरू की हैं, सुबह 9:30 के बीच में। जितने यूथ हैं, क्योंकि बहुत दिनों से एक मेरे मन में था बोझ कि हमारे जो बच्चे आते हैं वो वचन नहीं पा पाते हैं। यहां बैठते हैं ये लोग, आज से सबके पास कॉपी होनी चाहिए, बाइबल होनी चाहिए। नेक्स्ट वीक आपको पूछा जाएगा कि मैंने क्या बताया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम यहां पर सीखने के लिए आए हैं, अपना समय बर्बाद करने के लिए नहीं आए। तो आज से हमारी यूथ की है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा प्रभु के बारे में जाने, प्लीज मैं आपको उत्साहित करता हूं, आप 9:30 उसको लेकर आइए। सॉरी, 9 आप लेकर आइए, या बच्चे को छोड़ दीजिए। आप बाद में आना चाहते हैं 9:30, कोई बात नहीं, यहां पर आपका बच्चा आएगा, हम उसकी देखभाल करेंगे, उसको हम ज्ञान देंगे जो कि उसके अनुसार होगा। अभी जो वचन मैं परमेश्वर के आशीर्वाद से आपको बांटता हूं, वो वचन कई बार बच्चों के लिए नहीं भी होता है, लेकिन ये जो हमने आधे घंटा का सेगमेंट शुरू किया है, हमारे लीडर्स उसको लेंगे मेरी देखरेख में, मुझसे पूछते हैं वो कैसे लेना है, और आपके बच्चों को वो ज्ञान कि वो जीवन कैसे जिए, पढ़ाई कैसे करें, स्कूल में कैसे रहें, अपने दोस्तों के संग कैसे खेलें, बहुत जरूरी है। हम बच्चे को सिर्फ पैदा करते हैं और उसकी देखरेख, उसको स्कूल भेज दिया, उसको खाने को क्या चाहिए और उसके कपड़े क्या चाहिए, बस। नहीं मेरी बहन, मेरे भाई, बहुत जरूरी है कि मेरा बच्चा किस लोगों से मिल रहा है, मेरा बच्चा जीवन कैसे जी रहा है, उसकी दिनचर्या क्या है, उसका उठना बैठना कैसे है, बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज का जो विषय है वो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है कि बच्चों को हम उनके जीवन में किस तरीके से शिक्षा दें और किस तरीके से बच्चों को हम परमेश्वर की ओर लेकर जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सांसारिक शिक्षा उन्हें देखते हैं, एकेडमिक, आज वो बीए पढ़ रहे हैं, 10th जाते हैं, 11th जाते हैं, अच्छा स्कूल देखते हैं, इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, लेकिन क्या हम देखते हैं कि मेरा बच्चा बाइबल पढ़ता है, मेरा बच्चा प्रार्थना कर रहा है, और नंबर 1 मेरे बच्चे का व्यवहार कैसा है, क्या वचन के अनुसार मेरा बच्चा है, क्या मेरे बच्चे के अंदर वचन है, क्या मेरे बच्चे के अंदर दीनता है, क्या मेरे बच्चे के अंदर नम्रता है, कहीं मेरा बच्चा घमंड में तो नहीं है, कहीं मेरा बच्चा स्वार्थी तो नहीं हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये सारी शिक्षाएं बाप आपको एक शिक्षक के रूप में हमें अपने घर में देखनी है, तब हम अपने बच्चों को संभाल सकते हैं। और बाइबल कहती है कि हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी है। प्रेज़ द लॉर्ड, नीति वचन 22:6 पढ़िए, नीति वचन 22:6, हालेलुया। ध्यान दीजिए, वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है, 22:6 पढ़िए बेटा। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दीजिए
जिस पर उसे चलना चाहिए। आमीन। आगे, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। अगर बचपन में आपने वो शिक्षा दी अपने बच्चे को जिस पर उसे चलना चाहिए, तो आपको बुढ़ापे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो उससे नहीं हटेगा, क्योंकि आपने उसका आधार, आपने वो शिक्षा दी है जो प्रभु कहता है। बच्चा होता है और हम अपने बच्चे को अपने परिवार के बारे में जो बताते हैं ज्यादा, ये तेरा चाचा, ये तेरा मामा है, ये तेरी मम्मी ऐसे करती है, मैं ऐसे करता हूं, हम समझते हैं कि हमें जो परमेश्वर ने बच्चा दिया है ये मेरा है और इसे मुझे अपने हिसाब से, अपने रीति रिवाजों के हिसाब से, अपने हिसाब से पढ़ाना है। नहीं, यही तो गलती करते हैं। हमें अपने बच्चे को परमेश्वर के अनुसार लेकर चलना है। इसलिए वो कहता है कि बच्चों को वो शिक्षा दीजिए जिस पर उसे चलना चाहिए। हम उसे शिक्षा देते हैं कि कहां पर कौन सा काम करेगा तो वो कमाई कर सकता है, किस रास्ते पर जाएगा जहां से पैसा कमा सकता है, कहां पर उसकी सिक्योरिटी है, कहां सुरक्षा है। मेरे परिवार में लोग सब पढ़े लिखे हैं, मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, अच्छी बात है, लेकिन आधार आपके बच्चे का क्या है, ये बहुत जरूरी है। अगर हमारा आधार सही नहीं है, अगर आपके बच्चे का आधार सही नहीं है, तो आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, आप कितनी भी एकेडमिक संसारिक शिक्षा उसे क्यों ना दे लें, लेकिन वो कभी भी भटक सकता है, शैतान कभी भी उसका फायदा उठा सकता है। लेकिन अगर आपकी वो शिक्षा होगी जो परमेश्वर की ओर से है, तो जैसा वचन कहता है कि बुढ़ापे तक वो नहीं हिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको डरने की जरूरत नहीं है। भजन संहिता 127 का 3 और 4 पढ़िए बेटा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम डरते आते हैं। बच्चा बड़ा होता है 17-18 साल का, दोस्तों से मिलता है, तो हम समझते हैं कि टीवी में ये है, आजकल सोशल मीडिया है, आजकल फोन है, तो मेरा बच्चा कहीं गलत तो नहीं है, होता है कि नहीं होता है, शक आता ना, मेरा बच्चा बाहर जा रहा है, 2 घंटे के बाद मेरा बच्चा आ रहा है, किसके साथ था, क्या था, कभी बच्चा बताता है पूरा, कभी आप नहीं जान पाते, क्योंकि हमेशा तो आप उसके साथ नहीं रहेंगे। तो बाइबल क्या कहती है, भजन संहिता 127 का 3, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है। देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं, यानी कि दान हैं। परमेश्वर की ओर से बच्चे आपको दान के रूप में मिले हैं। इसलिए जब परमेश्वर की ओर से हमें दान मिला है, तो हमें उसको परमेश्वर की शिक्षा देनी है, हमें परमेश्वर के बारे में बताना है। बच्चे परमेश्वर की ओर से दिए हुए दान है। आगे, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। आपका प्रतिफल परमेश्वर की ओर से है। गर्भ में जो आपका फल है वो परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। कई परिवार है जिनके बच्चे नहीं होते, जिनके बच्चे देर से होते हैं। मेरा बच्चा 5.5 साल के बाद हुआ था। हम लोगों ने बहुत प्रार्थना की, उस समय मैं प्रभु को नहीं जानता था, मेरी बीवी रोती थी, हम लोग जाते थे, कहीं ना कहीं भटकते थे, लेकिन 5.5 साल के बाद परमेश्वर ने चुना, आशीष दिए और बच्चा हुआ। लेकिन जब हमें मिलता है बच्चा, हमें क्या देना है, हमें उसको कैसे जीवन देना है, हमें उसको कैसे बढ़ाना है, यह बहुत जरूरी है। हम ये भूल जाते हैं, हम बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरे लड़का हो, मेरा लड़की हो, मेरे बच्चा मिले, और जैसे ही बच्चा मिलता है हम भूल जाते हैं कि हमें उसको टीच कैसे करना है। हन्ना जो कि एक परमेश्वर की दासी थी, जो यहोवा को जानती थी, और न्यायियों का समय था, उस समय
हन्ना और एलकाना एक परिवार था जो रहते थे इज़राइल। हालेलुया। और आप सब जानते हैं हन्ना की कहानी कि किस तरीके से हन्ना बांझ थी, यहोवा ने उसकी कोख बंद कर दी थी। हेलो, यहोवा तो कोख खोलता है, क्योंकि यहोवा ने क्यों बंद कर दी थी, क्योंकि हन्ना पहले मांगती थी कि मुझे मेरा बच्चा हो, हे पिता परमेश्वर मुझे बच्चा दे, जैसे सबको बच्चा दिया मेरे बच्चा हो, मेरे औलाद हो, मेरे पुत्र हो, मेरी पुत्री हो। लेकिन जब वो मंदिर गई उसे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे अपने बच्चे को परमेश्वर के लिए समर्पित करना है। Praise the Lord। उसने कहा कि परमेश्वर तू अगर जो मुझे बच्चा देगा तो मैं तेरे लिए समर्पित कर दूंगी। हालेलुया। उसने वाचा बांधी। और आप पहला शैमल पढ़ेंगे 2-3-4-5 तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हन्ना ने उस वाचा को निभाया। जैसे उसके बच्चा हुआ सबसे पहले उसने उसका नाम क्या रखा, शैमुएल। क्या मतलब है इसका, परमेश्वर की ओर से। इस नाम का मतलब क्या है, परमेश्वर की ओर से। क्यों, ताकि वो चाहती थी कि जब भी मैं अपने बच्चे को बुलाऊं, जब भी पुकारूं तो मुझे एहसास होना चाहिए कि ये मुझे परमेश्वर की ओर से मिला है, मैं परमेश्वर को ना भूलूं। और बाइबल बताती है कि जब उसके बेटा हुआ उसने कहीं भी कोई भी उत्सव नहीं रखा, उसने कहीं भी कोई पार्टी नहीं रखी, वो 3 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए बताती रही कि तेरा पिता कौन है, तेरी मां कौन है, तू मेरी कोख में एक प्रतिपल है, एक दान के रूप में है, एक दान के रूप में है। तो मेरी बहन, जिस दिन हम ये समझ जाएंगे किस बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, समझ देने वाला परमेश्वर है, जीवन उसने दिया है, ये हन्ना समझ गई थी। और 3 साल तक वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए परमेश्वर के बारे में बता रही थी। और बाइबल कहती है, वचन कहता है कि जैसे ही 3 साल का हुआ और हन्ना उसे मंदिर में ले गई, बच्चे परमेश्वर की ओर से दिए हुए दान हैं, ये हन्ना समझ गई थी। ये हन्ना समझ गई थी, इसलिए जैसे उसने 3 साल पाल पोस कर उसको मंदिर में खड़ा किया, उसको मंदिर में रखा, जो शैमुएल था उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्यों, क्योंकि उसने शिक्षा पा ली थी। और उसने ऐसी शिक्षा पा ली थी कि कहीं बाइबल में नहीं लिखा हुआ है कि जब बड़ा हुआ शैमुएल तो हन्ना चिंतित थी कि मेरा बच्चा परमेश्वर की सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा बाइबल में नहीं लिखा हुआ है जब शैमुएल बड़ा हुआ। क्यों, क्योंकि उसने उसके अंदर उस वचन को डाल दिया था। बाइबल कहती है कि शैमुएल जो कहता था वही होता था। आप अगर अपने बच्चे को वो गहराई से शिक्षा देंगे, आप बताएंगे कि उसे क्या करना है, कैसे जीना है, उसे करना क्या है, क्या पढ़ा मेरी बच्ची ने 22:6 कि बच्चे को वो शिक्षा दीजिए जो उसे करनी चाहिए, वो मार्ग दिखाइए जिस पर उसे चलना चाहिए। Praise the Lord। मसीह के बच्चों की बुनियाद ही हिली हुई है। आप ये नहीं देखते हैं, देखिए, आप अगर अपने बच्चे को बुनियादी शिक्षा, परमेश्वर का नाम उसके अंदर डालेंगे, परमेश्वर का भय उसके अंदर डालेंगे, उसके बाद अगर आप संसार में भेजेंगे ना मेरे भाई, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो वचन है ना वो उसे संभालेगा, मैं और आप नहीं संभालेंगे, मैं और आप नहीं। लेकिन जैसे बच्चा होता है
हम उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, अच्छी बात है, आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, बिजनेस कराइए, लेकिन उसके पास बुनियादी ज्ञान होना जरूरी है जो कि हन्ना ने अपने बेटे को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जब भी शमूएल से मिलने के लिए मंदिर में जाती थी हन्ना, तो उसके लिए एपोद का कपड़ा लेकर जाती थी। अलकाना बहुत पैसे वाला था, बहुत पैसे वाला, वो कभी अपने बच्चे के लिए, इकलौता बच्चा, उसके बाद सात अलौते हुई उसकी, लेकिन जब भी अपने बच्चे से मिलने जाती थी तो क्या करती थी, एपोद का कपड़ा लेकर जाती थी, ताकि उसको याद रहे कि तुम कौन हो, एक याजक हो, सेवक हो। बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी ड्रेसेस लेके नहीं जाती थी, बड़े खिलौने लेके नहीं जाती थी। आज हम अपने बच्चे का माइंड डाइवर्ट कर देते हैं, जरा सा रोता है हम फोन पकड़ा देते हैं, बच्चे को नहीं पता लेकिन हम उसको खोल के देते हैं गूगल, हम उसे खोल के देते हैं फेसबुक, हम उसको खोल के देते हैं कि ये देख, हम उसे खोल के देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वार्थी हैं, हम नहीं चाहते कि हम डिस्टर्ब हो, बच्चा लगा रहे बस, फोन देखता है, देखने दो, बस हमें डिस्टर्ब ना करे। हन्ना ने ऐसा नहीं किया, उसने 3 साल तक अपने बच्चे को शिक्षा दी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि शैतान का यह हथियार है। देखिए, जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा था इसराइलियों को मिस्र से निकालने के लिए, अगर हम निर्गमन 10 पढ़ेंगे, 8 से 11 पढ़ेंगे, तो वहां पर पता चलेगा कि किस तरीके से फिरौन ने, जब बार बार इतनी विपत्तियां परमेश्वर मिस्र पे डाल रहा था कि मिस्र के जो लोग थे वो फिरौन से बोल रहे थे कि फिरौन तो क्यों इनको जाने नहीं देता है, इतना मिस्र तबाह हो गया है, मिस्र पूरी तरीके से खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी फिरौन, जो कि एक शैतान का प्रतीक था, उसने क्या कहा, उसने कहा नहीं, तुम लोग जाओ लेकिन अपनी औलादों को यहां छोड़ जाओ। हेलो, ध्यान दीजिए, पढ़िए 8:10-8:11। तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलवाए गए। हाँ। और उसने उनसे कहा, चले जाओ, हाँ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, परंतु वे जो जाने हैं, कौन कौन है, कौन कौन है जो तेरे संग जाएंगे, कौन पूछ रहा है, फिरौन किससे पूछ रहा है, मूसा से, भाई तेरी उपासना करने के लिए तुम चाहते हो कि परमेश्वर की उपासना के लिए हम जंगल में जाएं, चले जाओ, लेकिन कौन कौन जाने वाला है। मूसा क्या कहता है, मूसा ने कहा, हम तो बेटा बेटों बेटियां भेड़ बकरियां गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे। हम परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिए, उपासना करने के लिए बच्चों को भी लेके जाएंगे, बूढ़ों को भी लेके जाएंगे, बीवी को भी लेके जाएंगे। आगे क्या कहता है 10वां, उसने इस प्रकार उनसे कहा, मूसा मतलब फिरौन ने उससे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ, देखो तुम्हारे मन में बुराई है। आमीन, हालेलुया। यानी कि फिरौन क्या कह रहा था, बच्चों को लेके मत जाओ, अगर तुम बच्चों को लेके जाओगे, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, शैतान चाहता है, आप लोग जाना चाहते हैं चर्च, जाइए, बच्चों को ही रख दीजिए, हाँ बच्चे खेलते रहेंगे, बच्चे घर में खेलते रहेंगे, चलेगा, यही तो शैतान चाहता है, हम बच्चों को लेके जाएंगे, बच्चे डिस्टर्ब होंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे रखेंगे, लेके जाना हम होके आते हैं, यही तो शैतान चाहता है। शैतान क्या कह रहा था, मूसा से जाओ लेकिन बच्चों को छोड़ जाओ, क्योंकि शैतान जानता है कि तुम कितने भी परमेश्वर में हो जाओ, अगर तुम्हारे बच्चे हमारे हाथ में हैं, तो मैं कभी भी तुम्हें पीछे खींच सकता हूं, क्योंकि बच्चों का मोह
बच्चों का प्यार तुम खींचे आओगे, इसलिए उसने कहा बच्चों को मत लेके जाओ, क्योंकि तुम उपासना करने के लिए जंगल में जा रहे हो, बच्चे तुम्हारे यहां पर मिस्र में होंगे तो तुम दोबारा मिस्र में आओगे। आमीन। ये शैतान का हथियार है, लेकिन बाइबल क्या कहती है कि हमें अपने बच्चों को, अपनी औलादों को परमेश्वर के सामने समर्पित करना है। कई बार जो बच्चे होते हैं आपके और यहां पर आते हैं, उसका नामकरण होता है, डेडिकेट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेडिकेशन का मतलब समझते हैं आप? सिर्फ नाम नहीं रखना है कि मैं चर्च में सबको मिठाई खिलाई, समोसे खिलाए, सबको खिलाया और मैंने डेडिकेशन हो गया। नो, डेडिकेशन का मतलब है पूरी तरीके से प्रभु को देना। पहला स्थान प्रभु का होना चाहिए बच्चे के जीवन में। बच्चों को आपको बोलना चाहिए कि तेरा असली बाप यहोवा है, तेरी मां यहोवा है। हम नहीं बोलते, बोलिए अपने बच्चे को कि मैं तेरा बाप नहीं हूं, मैं तेरा जमीनी बाप हूं। मन में बसा ले कि तेरा बाप यहोवा है, यीशु मसीह तेरा पिता है, यीशु मसीह तेरी माता है। लेकिन नहीं, हमें तो चाहिए अपना। जब बच्चा बड़ा होता है, मां पालती है और उसको कहती है कि बेटा मैं तेरी मां हूं, याद रखना मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, मैंने तुझे पाला, रातों को सोई नहीं मैं, मुझे ठंडा अच्छा लगता था, ये अच्छा लगता, कि तब भी मैंने तेरे लिए सेक्रीफाइस किया। याद रखना जब मैं बूढ़ी हो जाऊं तो मुझे याद रखना मैं तेरी मां हूं। अपनी सिक्योरिटी रख रही है मां, कि बच्चे को पैदा किया है तो बुढ़ापे में अपनी सिक्योरिटी रख रही है। होता है मेरी बहन, परमेश्वर को अपने पास रखिए, उसकी सुरक्षा हमेशा आपके पास रहेगी। उसको बताइए अगर वो परमेश्वर का है, अगर वो परमेश्वर के संग ईमानदार है तो वो बच्चा आपकी सेवा करेगा। लेकिन अगर वो ईमानदार परमेश्वर के लिए नहीं है तो आप भूल जाइए कि वो आपकी भी सेवा करेगा। इसलिए बच्चों के अंदर परमेश्वर का अभिषेक लेकर आइए। जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं मेरे भाई मेरी बहन, बहुतायत का आशीष मिलता है। नीति वचन 28 का 20 पढ़िए। आप नहीं जानते हैं कि आपका बरकत कहां से आती है, आपके जीवन में बरकत कैसे बहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए बेटा नीति वचन 28 का 20। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। सच्चे मनुष्यों पर, कौन होता है सच्चा? जो आज्ञा पर चलता है। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीष होती है, एक दो नहीं बहुत। और आगे, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वो निर्दोष नहीं ठहरता। उसकी आज्ञाकारिता को निकालेंगे, उसकी आज्ञा नहीं करेंगे, आप आशीष नहीं पाएंगे। मत भूलिए कि हर चीज परमेश्वर ही देता है, आप नहीं देते। हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना है। आप नहीं जानते हैं कि जो आप करते हैं उसका प्रभाव आपके बच्चों पर पड़ता है। आपको पता है? शायद आपको नहीं पता है, आपको एहसास नहीं है। आपके करने, आप जो भी करते हैं, नोह के बारे में सुना आपने? नोहा के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा नोहा को? कि नोहा तू एक धर्मी है और मैं तुझे बचाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, सब सुन रहे हैं? नींद आ रही जिसको झपकी दीजिए, नींद मिटाइए। नोहा क्या कहता है? परमेश्वर कहता है नोहा मैं तुझे, क्योंकि तू धर्मी है इस धरती पर, और मैं तुझे बचाऊंगा। क्या उसके बच्चों को उसने कहा परमेश्वर ने? बिकॉज बच्चे
नूहा के बच्चे थे, इसलिए वो धार्मिकता उन बच्चों पर भी आई। प्रेज द लॉर्ड। नूहा धर्मी था, उसकी धार्मिकता का आशीष किसको मिला? बच्चों पर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जिस तरीके से पिता का आशीष बच्चों को मिलता है, उसी तरीके से पिता के द्वारा गलत काम भी बच्चों पर श्राप लाता है। इसी का उदाहरण मैं आपको देता हूं। 9 अगर पढ़ेंगे हम जेनेसिस, उत्पत्ति 9 20 से 22 के बीच में पढ़ेंगे, 20 से 25 के बीच में, जब ये प्रलय खत्म हो गई, जब जल प्रलय खत्म हो गई और जब जल सूख गया पूरी पृथ्वी पर, जब वो जहाज जो नूह ने बनाया था वो पृथ्वी पर लग गया, तो नूह अपने परिवार के संग, जानवरों के संग धरती पर उतरा। और एक दिन क्या कर रहा था कि वो दाख की बारी लगी हुई थी, उसे नहीं पता था, वो दारू नहीं पीता था, वो शराब नहीं पीता था, लेकिन उसने कुछ पत्ते उत्ते खाए, उसने कुछ खाया और जो कि उसमें नशा था, और उसने खा लिया और उसको नशा हो गया। उसके 3 बेटे थे, कौन कौन बेटे थे? हेम, हाम, ये पेत। तो उनके 3 बेटे थे, उसमें से जो बीच वाला बेटा था हाम, उसने अपने पिता को नंगा देखा और ये बात उसने अपने दोनों भाइयों को बताई। प्रेज द लॉर्ड। अब दोनों भाइयों ने क्या किया? पढ़ो बेटा, 20 से 25 के बीच में जल्दी से पढ़ो। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई। हाँ? और वो दाख मधु पीकर मतवाला हुआ। हाँ? और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। हाँ? तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा। हाम ने अपने पिता को नंगा देखा। अब देखिए, दोनों भाइयों को जब हाम ने बताया कि भाई ये पेट को और शेम को कि भाई हमारा बाप नंगा है, तो उन्होंने अपने पिता को नंगा नहीं देखा। आगे बढ़िए बेटा। तब शेम और ये पेट दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा। हाँ। और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढाप दिया। ढाप दिया। जब हाम ने बताया कि अरे भाई हमारा पिता नंगा है, तो हेम और येपेत ने कपड़ा लिया और पीछे की तरफ गए और अपने पिता को ढाप दिया। आगे। और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसीलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। नंगा नहीं देखा। आगे। जब नूह का नशा उतर गया। अब देखिए, गलती किसने की? हाम ने। गलती किसने की? हाम ने। अब जब नूह का नशा उतरा और नूह को पता लगा कि साहब मेरे एक बेटे ने मुझे नंगा देखा है, जान पूछ कर, ये भी आंखें बंद कर सकता था ना, ये भी अपना पीछे देख सकता था, इसने गलती की है, इसने पाप किया है। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हुआ? तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। हाँ। इसीलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वो अपने भाई बंधुओं के दासों को दास हो। एक मिनट, किसको शाप दिया? कौन था कनान? हाम का बेटा। उसका बेटा। ध्यान दीजिए आप, नूह ने कर्म किए, नूह ने धार्मिकता निभाई, उनके बच्चों को धार्मिकता मिली, लेकिन जब हाम ने पाप किया, उसकी सजा किसको मिली? उसके बेटे को। बेटे को, यानी कि वंश को श्राप मिलता है। आप अगर गलत काम कर रहे हैं, आप अगर परमेश्वर से दूर हैं, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चल रहे हैं, तो इसका असर आपके बच्चे पर होगा। ध्यान दीजिए, अगर आप धोखा दे रहे हैं, अगर आप किसी के पीठ पर छुरा भोंक रहे हैं, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चल रहे हैं, उसका असर आपके बच्चों पर होगा। याद रख लीजिएगा, ये बाइबल की सच्चाई है, चाहे कितना भी दशांश आप डालें बाइबल में। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझे, आपका पाप आपके वंश को असर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बच्चों को हमें आज देखिए, जब बच्चे आपके घर में जन्मते हैं, एक हस्बैंड वाइफ जो अपने जीवन को जीते हैं,
बच्चे जब नहीं होते हैं उनका अलग फ्री स्टाइल होता है, कभी भी सोते हैं उठते हैं उनका अलग है, लेकिन जैसे ही बच्चा होता है तो आपका जीवन किसके लिए होता है? बच्चों के लिए। आप अपने बच्चों के लिए अपने जीवन को बनाते हैं, अपने टाइम टेबल को, अपना रहना खाना पीने को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए समझने की कोशिश करिए कि आप जो काम कर रहे हैं, आप समझते हैं कि मैं कर रहा हूं, कौन देख रहा है यार, और अगर होगा तो मुझ पर होगा ना यार। इसलिए बाइबल क्या कहती है, अगर मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं और किसी का बच्चा दुख में है, किसी का बच्चा पीड़ा में है, आप नहीं जानते उस बच्चे को, आपने कभी देखा नहीं है, अगर कोई बच्चा प्रॉब्लम में है तो मसीह के रूप में हमें उसकी हेल्प करनी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या होगा, आप जब किसी अनजान बच्चे की हेल्प करेंगे तो आप विश्वास करिए कि आपका बच्चा जब कभी प्रॉब्लम में होगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे और उसको आशीष देंगे। आप नहीं समझ रहे, जैसा बोगे वैसा काटोगे। क्या लिखा हुआ है गलतियों 6:7 में, जो बोगे वो काटोगे। हम अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। आज आपके जीवन में शराब क्यों है, क्यों है शराब? मती 6:14 पढ़िए, जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई थी कि पिता परमेश्वर तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसी इच्छा तेरी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी जमीन पर पूरी हो, मुझे मेरी रोज की रोटी दे दीजिए, मेरे गुनाहों मेरी गलतियों को माफ करिए जैसे हम दूसरों की गलतियों को माफ करते हैं। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, किसके अपराध क्षमा करने की बात कर रहा है यहाँ पर? यीशु मसीह। कौन है आपका अपराधी जिसको आप नहीं जानते? वो हो सकता है आपके पिता का दुश्मन हो, वो हो सकता है आपके आपके दादा का दुश्मन हो जिसके बारे में आपने जाना ही नहीं है। आपके पिता ने किसी भाई या किसी बहन को धोखा दिया था, आपकी मां ने किसी भाई बहन को धोखा दिया था और उसने शराब दिया था कि तेरा भी वंश ऐसा ही होगा। जिस तरीके से वो शराब किस पे लग रहा है, आपके बच्चों पर। वो शराब किस पे लग रहा है, आपके ऊपर। आप कहते हैं साहब मैंने तो कोई गलत किया ही नहीं, फिर भी क्यों मेरे संग गलत हो रहा है, मैंने तो किसी का खून नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, मेरे संग क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि आपके जो पूर्वजों ने पाप किए थे वो शराब आपके ऊपर लग रहा है। इसलिए यीशु मसीह कहता है हम जब प्रभु में आते हैं हमें उनको माफ करना है, हमें उन मनुष्यों को माफ करना है, उनके अपराध माफ करने हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, यहां ऐसे कई परिवार हैं जो बंधन में हैं। क्यों बंधन में है? आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपराध आपके ऊपर शराब के द्वारा, शराब के रूप में आपके परिवार के ऊपर आ रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि उनके अपराध क्षमा कर, तब तेरा पिता तुझे क्षमा करेगा। हेलो, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, उन अपने बच्चों को सिखाएं, एक टाइम टेबल बनाइए अपने लिए, बच्चों के लिए कि सुबह उठकर कैसे प्रार्थना करनी है, उसको प्रार्थना करना सिखाइए, उसको धन्यवाद देना सिखाइए, उसको बताइए कि यीशु मसीह ने क्यों तुम्हारे लिए बलिदान किया था। ये शिक्षा बहुत जरूरी है कि जो आपके बच्चे के अंदर होनी चाहिए, बहुत जरूरी है।
अगर आप उसमें नहीं जाएंगे मेरे भाई मेरी बहन, तो आपका बच्चा जब बड़ा होगा ना, वो आशीष आपको नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए, और हो सकता है शैतान आपको, आपके बच्चे को खींच ले। फिर जब आपकी बच्ची बड़ी होगी और आप चर्च जाते हैं, शैतान उससे काम करेगा, कोई और लड़का उसे पसंद आ जाएगा, एक अन्य जाति का लड़का आपके घर में आ जाएगा। आप बेबस हैं कि मेरी बच्ची नहीं मान रही, क्या करूं, मेरा लड़का नहीं मान रहा, मैं क्या करूं। अन्य जाति से ले आएगा वो लड़का, अन्य जाति की लड़की आ जाएगी आपके घर में, जो कि दूर कर देगी। मैंने ऐसे बहुत से देखे हैं, बहुत से ऐसे परिवार को जानता हूं जो मुझसे प्रार्थना करवाते हैं, जो बहुत ही समर्पित थे, लेकिन उनके घर में अन्य जाति की एक लड़की आ गई जो कि बहुत अच्छी थी। जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगी, बपतिस्मा लिया, सब कुछ लिया, लेकिन जैसी शादी हुई घर को तोड़ दिया, घर को तोड़ दिया। अब वो मां बेटियां रो रही हैं, क्योंकि कमाने वाला सिर्फ भाई था जो चला गया। मैंने कितनी बार बोला, नहीं मेरी बहन नहीं करो, नहीं नहीं पास्टर वो बहुत अच्छी है, उसने बपतिस्मा भी ले लिया है। मैंने कहा मुझे नहीं लग रहा है। और आज कहते हैं पास्टर हमें माफ करिए, हमने आपकी बात नहीं सुनी। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं आपको क्यों बताता हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आपका परिवार है, आपका बच्चा है, आपके घर में सुख कैसे आएगा, परमेश्वर मुझे देता है ताकि मैं आपको सही दिशा दे सकूं। मैं आपका आत्मिक पिता हूं, मैं आपको बता सकूं कि आपको किस तरह जीना है, आपके बच्चों को किस तरह जीना है। बहुत मुश्किल होती है, और एक समय में जब बच्चा बड़ा हो जाता है फिर उसको संभालना मुश्किल होती है, फिर उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब बच्चा छोटा है उसी को बताओ कि नहीं तू कौन है, मैं तेरा धरती पर तेरी मां हूं, लेकिन स्वर्गीय पिता जैसे मेरा वो है तेरा भी वही है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये एक जीवन शैली है जो हमें जीनी है। यह परमेश्वर की आज्ञा है, व्यवस्था विवरण 4:10, परमेश्वर की आज्ञा है ये कि हमें अपने जीवन को देखिए। हम घर में जाकर कलीसिया आने के बाद घर में जाकर आराम से बैठते हैं, हफ्ता भर हफ्ता अपना हम और बातें करते हैं। नहीं मेरी बहन, कलीसिया से जाने के बाद हमें बच्चों को पूछना है, बताना है कि आज तुमने क्या सीखा, तुमने क्या पाया, चाहे आधा घंटा हो। आज्ञा है परमेश्वर की, क्या लिखा हो, डिटरनॉमी 4:10, विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रह खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था कि उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं जिससे वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहें उतने दिन मेरा भय मानते रहें और अपने लड़कों को अपने बच्चों को भी यही सिखाएं। यह हमारी ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं। यस, मेरा बच्चा इस समय देहरादून में पढ़ रहा है हॉस्टल में, पिछले उसने 3 महीने सर्विस की, उसका इंक्रीमेंट काफी बढ़ता गया, एक अच्छी पगार मिलने लगी उसे इंटेंसिव के साथ, और वो उसके दिमाग पर चढ़ गई। जब कॉलेज से आया वहां पर कि साहब कॉलेज में बुलाया है, कि पापा उनमें ये था ऑप्शन कि अगर, क्योंकि उस समय जो लॉकडाउन था और कोरोना था तो मतलब हर माँ बाप नहीं भेज रहे थे अपने बच्चे को कि नहीं नहीं हम नहीं भेजेंगे, हम ऑनलाइन ही करेंगे। कई माँ बाप ने अपने बच्चों को नहीं भेजा,
तो मुझसे बोलने लगा, पापा इतनी अच्छी सैलरी है, इतना मिल रहा है, और मैं भी ऑनलाइन कर देता हूँ। मैंने कहा अरे ये तो पैसा इसके दिमाग पर चढ़ रहा है, छोड़ो इमीडिएट जाओ। तो उसका टिकट कराया मैंने, कहा चलो। बहुत वो हुआ कि नहीं पापा आप नहीं जानते, फिर नहीं। मैंने कहा मुझे चाहिए नहीं, चलो। वहां जाने के बाद भी एक हफ्ता कुड़कुड़ाता रहा, पापा बहुत सर्दी है, कुछ नहीं है, ऑनलाइन ही होगा। मैंने कहा जब देखेंगे, ऑनलाइन रहो तो वहीं रहो। आज खुश है कि ऑफलाइन हो गया। मैं भी एक पास्टर हूं, मुझे भी पैसे की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बच्चा गलत, उसके अंदर शिक्षा सही होनी चाहिए। ये मेरी इच्छा है कि मेरा बच्चा परमेश्वर की सेवा करे, बाकी परमेश्वर क्या चाहता है और मेरा बच्चा क्या करेगा वो प्रभु जाने। तो ये हमारे लिए हमारा उत्तरदायित्व है। संतोष हमारे भाई हैं, अपनी बच्ची को रोज 2 घंटा बाइबल पढ़ाते हैं। 12 साल की बच्ची है, कितने साल की बच्ची है? 11 की है, और नहीं पढ़ते तो मारता भी उसको। अच्छा है, मेरे बच्चे को मैं अभी मार लूं, इससे वनस्पति के वो नरक में चला जाए। अच्छा है मैं मार लूं उसे, जब आग लगेगी क्या अपने बच्चे को आप उठाएंगे? नहीं। अगर आपके कमरे में आग लग गई तो आप उठाएंगे? नहीं उठाएंगे अपने बच्चे को। यही हम चर्च नहीं लाते अपने बच्चे को, हम वचन में नहीं बिठाते अपने बच्चों को। आप कितना बड़ा आप गुनाह कर रहे हैं आप समझ नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते। आप शैतान को रास्ता दे रहे हैं कि वो आपके घर में आए, आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद शैतान आपके घर में आएगा, आपके बच्चों को उठाएगा, बाहर लेके जाएगा, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि आपने बुनियादी शिक्षा अपने बच्चों को दी ही नहीं है, आपने परमेश्वर के बारे में उनको बताया ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, मैं जान गया हूं कि मेरा प्रभु कौन है, तो मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है कि मेरा बच्चा जाने, मेरी बीवी जाने। हम बाहर वालों को तो सुसमाचार बाद में सुनाएंगे, मेरे घर में तो सुसमाचार हो। हेलो, मेरे घर में तो सुसमाचार हो। हम बाहर वालों को सुसमाचार सुना रहे हैं और मेरे घर में ही सुसमाचार नहीं है। नहीं, बहुत 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 जरूरी है। और बाइबल कहती है एक मन एक दृष्टिकोण से जब आप काम करेंगे ना, तभी आप परमेश्वर के अभिषेक और आशीष को समझ पाएंगे, एक मन एक दृष्टिकोण के साथ। इसलिए कभी कभी पति इस तरफ है, पत्नी उस तरफ है, बच्चे इस तरफ हैं, आपका एक मन एक दृष्टिकोण ही नहीं है। आप कुछ सोच रहे हैं, पति कुछ सोच रहा है, पत्नी कुछ सोच रही है, बच्चे कुछ और सोच रहे हैं। कैसे परमेश्वर काम करेगा? कैसे परमेश्वर के वचन आपके जीवन में काम करेंगे जब आप एक मन एक दृष्टिकोण के संग होंगे? आपका परिवार पूरा एक मन एक दृष्टिकोण के संग, यस, हां के हां। दूसरा क्रंथियों में लिखा हुआ है कि हमारे हद बाद हमारा जो जीवन है वो हां, अगर हम हां बोलते हैं तो मेरा बच्चा भी हां बोले, मेरी पत्नी भी हां बोले। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि मुझे उस उद्धार को नहीं खोना है और मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूं। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, बहुत जरूरी है कि हम अभी से, अगर आप नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आपको उत्साहित करता हूं कि आप अभी से अपने बच्चों को शिक्षा देना शुरू करिए। रोज का आधा घंटा 1 घंटा बच्चों के संग बैठिए, उनसे प्रार्थना कराइए, वचन के बारे में पूछिए वो क्या जानते हैं यीशु मसीह के बारे में, उन्हें बताइए कि प्रभु कौन है। बहुत जरूरी है। आप देखिएगा जिस बार
जिस समय आप अपने घर में शक्ति बढ़ाते जाएंगे ना, शैतान कमजोर होता जाएगा। अभी शैतान क्यों हावी है? क्योंकि आपके घर में कमजोरी है, आप अकेले हैं, आपके बच्चे भी आपके साथ नहीं है, आपका पति भी आपका साथ नहीं है, आप कमजोर हैं, शैतान हावी हो रहा है, आप चाहकर भी नहीं चाह कुछ कर पा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम आज से अपने आप को बलवंत करें, अपने परिवार को बलवंत करें। मेरे बच्चा इस समय मेरे हाथ में है, मेरी सुनेगा, सुनाइए उसको, बताइए, नहीं समय लगाइए, प्रभु के बारे में उसे बताइए। आप देखिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपके घर में आप आशीषों की बारिश देखेंगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप मजबूत होते जाएंगे अपने घर में, शैतान कमजोर होता जाएगा और दूर होता जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, जरूरी है कि हम अपने से उस आज्ञा को मानना शुरू करें और अपने घर से बाहर ना देखें कि कौन कितना कमजोर है। मेरे घर में हम बलवंत हैं। और आप अगर अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं तो नेक्स्ट संडे से 9 बजे भेजिए बच्चों को। यहाँ पर सुबह क्लास होती है, आज से शुरू हुई है, और उसमें बताया जाता है एक एक चीज़, वो किस तरीके से उनको जीवन जीना है, फेसबुक क्यों देखते हैं, फेसबुक क्यों नहीं देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, कैसे स्कूल में पढ़ना चाहिए, कैसे स्कूल के बाहर अपने दोस्तों के संग मिलना चाहिए, ये सारी चीजें हम यहां पर शिक्षा देते हैं। तो आपके बच्चे का यहां आना और आधे घंटे की शिक्षा लेना बहुत जरूरी है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता बच्चा आपका संसार से दूर होता जाएगा और परमेश्वर के चरणों में मजबूत होता जाएगा। जो काम आप घर में नहीं कर सकते हैं वो आपका काम हम कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बोझ दिया है कि मेरे कलीसिया का हर बच्चा मजबूत हो जाए आत्मिक रूप में। और अगर आपके अंदर बोझ है, प्लीज अपने बच्चे को भेजिए, जो यूथ है, जो समझ सकता है, छोटे बच्चे नहीं, जैसे ये बच्चे हैं 11-12 साल के, 13 साल के, इनको भेजिए ताकि वो जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस।